आज जब मैं सैलून गई ना अपनी आईब्रोज करवाने, वहां पर मुझे एक हेयर कटर मिली और उन्होंने मुझे बताया कि कुंडली भाग्य की कहानी में होने वाला है बहुत कुछ एक्साइटिंग। ओह माय गॉड, चलिए फिर किस बात का है इंतजार, फटाफट लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर और पता कर कराते हैं क्या है कहानी में नया ड्रामा। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में राजवीर से मिलने के लिए पलकी भी पीछे पीछे पहुंच गई है लूथरा हाउस, उस पार्टी में जहां पर वो शौर्य से छिपने की कोशिश कर रही है। इसी बीच वो राजवीर को ढूंढ ही रही थी कि शौर्य की नज़र पलकी पर पड़ जाती है और वो यही बात अपने दोस्त से भी कहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वापस पलकी पर जाती है तो वहाँ से पलकी गायब हो जाती है। सपने में भी है वो भी कोई टाइप, वो लड़की और मेरे टाइप की बिल्कुल गॉट टू थे मेरे पास ऑप्शन ही हो जाते एक से बढ़कर एक, एक भी नहीं हजार मुझे डेट करना है कोई मोहल्ले वाली कोई लड़की एक चुमकी वाली के बारे में तो सोच भी नहीं सकता तू। आई एम श्योर यू सी श्योर यू सबसे इस पर शौर्य को हो रही है अपने ऊपर हैरानी कि आखिर उसे पलकी नजर क्यों आ रही है। वहीं दूसरी ओर राजवीर को काम करता देखकर करीना और करिश्मा दोनों को लग रहा है कि कोई न कोई राजवीर के साथ उनका कनेक्शन जरूर है, क्योंकि उन्हें राजवीर में करण की झलक दिख रही है। अब उन्हें क्या पता कि राजवीर इसी घर का चिराग है। हाँ, एक्चुअली हम दोनों को उसमें करण दिख रहे हैं एंड अच्छी फीलिंग है बिकॉज करण का बेटा है फाइनली, ये बात हमको पता नहीं है, बट आई जस्ट होप जल्दी से ये बात सामने आ जाए। मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ दैट राजवीर घर आ जाए हमारे पास। हाँ, नॉर्मली करीना वैसी टाइप की नहीं है जिसे कोई पसंद आ जाए। अब अगर इसे ये लड़का पसंद आया तो डेफिनेटली कुछ बॉन्ड होगा आगे जाके। मैं तो वेट कर रही हूँ प्रीता घर आ जाए, फिर सब बॉन्ड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एक बार प्रीता आ गई तो हमें ये पता चलेगा कि राजवीर हमारे घर का ही बेटा है, तो उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होगी। फिलहाल तो दोनों भाइयों में दुश्मनी छाई हुई है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम में से कोई देख ले उसे, शायद करण देख ले या फिर राजवीर ले आए या शौर्य को पता चल जाए, ये तो हमें भी नहीं पता कौन ले आएगा। बट आई जस्ट होप जल्दी आ जाए प्रीता, वी रियली मिस हर।